क्योंकि हम हैं इंडिया पोस्ट न्यूज, जज्बा सच दिखाने का। प्रदेश में बलात्कार जैसी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बुंदेलखंड की भी बहन बेटियां अब स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, क्योंकि आवास के पुजारियों के इस कदर हौसले बुलंद है कि कम उम्र की लड़कियों को अपना शिकार बना रहे हैं। ताजा मामला चित्रकूट जिले के तहसील मऊ के अंतर्गत का है, जहां की रहने वाली एक नाबालिग लड़की के साथ 15 अगस्त को शाम 7 बजे शौच के लिए घर से निकलने पर खेत में गांव के ही रहने वाले एक युवक ने उसके खेत में उसे पाकर उसने उसके साथ अश्लील व्यवहार किया और उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की। अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़की ने शोर मचाया तो आवाज सुनकर कुछ लोग बचाव हेतु दौड़े। लोगों को आता देख दबंग भाग निकला। यदि शिकायत की तो, और साथ ही धमकी भी दी कि यदि शिकायत की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। पीड़ित लड़की ने तत्काल मऊ थाने में जाकर अपनी फरियाद सुनाई। मऊ थाना प्रभारी ने मामले को सही जांच कर उचित कार्रवाई करने की बात कही। अब देखना है कि दबंग के खिलाफ शासन प्रशासन क्या ठोस कदम उठाती है। तो क्या हुआ था, क्या बताई बेटी आपकी? हमारी बेटी सांप के लिए गई थी तो उसने कहा कि उसने गलत काम करने की कोशिश की, अंगुली डाल दी और जब उसे दर्द हुआ तो भागी तेज से और धमकी मारने की दी सर, और उतनी देर से दिखाई नहीं। क्या हुआ ऐसे, तो कोई अचानक प्रयास करेगा ना, क्या कोई और पहले से बात थी क्या? और तो सर हमारी बेटी हमारे डर के मारे बता नहीं रही थी, पर इसको कई बार छेड़छाड़ किया है, डरती थी तो बोलती नहीं थी, कई बार ने किया उस दिन दांव पा गया तो ऐसे करती। तो आपने थाने में जानकारी दिया? जी, मऊ कोतवाली में। जी। अच्छा, कहाँ का रहने वाला युवक है? और ठीक गाँव का है? हाँ, गाँव का है। क्या नाम है? अविनाश। गए थे खेत पे, बैठ गए, पीछे से अविनाश आया, मुझे दबोचा और गलत जगह पे अंगुली डाली और फिर मैंने चिल्लाया तो अविनाश डर गया, डर के मुझे छोड़ दिया और धमकी दिया कि तुम किसी से बताओगी तो मैं तुम्हें जान से मार डालूँगा। फिर मैंने जाकर अपनी मम्मी से बताई तो मम्मी के साथ मऊ कोतवाली आई। मऊ कोतवाली से तो इंस्पेक्टर गए, वहाँ से गाँव की जांच पड़ताल की और मैं नाबालिग हूँ, मुझे न्याय चाहिए, मेरे साथ बहुत अत्याचार हुआ, मैं